हो खम्मा खम्मा हो मारा, हो खम्मा खम्मा हो मारा उड़े चेहरा धड़े, हो खम्मा खम्मा हो मारा धड़े, हो खम्मा खम्मा हो मारा ओ थाने तो जावे आखी मारवाड़ हो बड़ा तगे, थाने तो जावे आखी मारवाड़ हो बाबा गुजी रात हो अजी माची रात हो सभी लोग बैठ जाएं। 365 दिन ना अपना राजस्थानी भाई देश में कोई भी कोना में मिले आपस में तो आपस में एक दूसरा को रामा सामा कर, लेकिन भादो महीनों जद आ जावे तो आदमी रामा सामा छोड़ एक दूसरो भाई मिले तो कहीं बोले क्या बोलते हैं जय बाबा रिसा। तो मैं चाहूं कि इतनी ज्यादा संख्या में एसपी साहब ये नागौर की धरती पे मैं पिछले 5-6 वर्षों से आ रहा हूं, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इतना बड़ा हुजूम हो सकता है क्योंकि वो सार्वजनिक है, लेकिन एक परिवार के बुलावे पे इतने सारे लोग आए तो ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान के साथ में बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस परिवार का आम लोगों से कितना प्रेम है वो देखने के लिए मिल रहा है। मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, बहुत आनंद का विषय है। दोनों हाथ उठा के कृपाराम जी और उनके पूरे परिवार श्री सुखराम जी, रामदीन जी, सत्यनारायण जी, राम सिंह जी, समस्त सोलंकी परिवार का तालियों से आप अभिवादन करें। धन्यवाद। अरे पाड़ा पाड़ा चलो बाबू भली करेला, पाड़ा पाड़ा ओ पाड़ा पाड़ा चलो बाबू भली करेला, राम रुणी चे बाड़ो बाबो भली करेला, बाबा रामदेव जी जो पैदल जावे ना वे 500 किलोमीटर 400 300 600 बहुत दूर दूर सु बहुत तेज गर्मी में दुख सुखरी चिंता ना करते हुए मन में बहुत बड़ी श्रद्धा मन में बहुत बड़ी आस लिया बाबा रामदेव जी दरबार में पहुंचे तो चिंता रो विषय नहीं बोले अरे दूर थके लो थारो रामो धनी करेला, जय बाबा री सभी लोग बोलेंगे दूर थके लो थारो कई लोगों की आवाज नहीं है, अधिकतर लोगों की आवाज नहीं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मन को खोल दे और मन को खोलते हुए इस पूरे परिसर को बाबा रामदेव जी के जयकारा से गुंजायमान कर दे। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे दूर थके लो थारो रामो धनी करेला, दूर थके लो थारो रामो धनी करेला,
रामरुणी चे बाळो बापो भली करे माता बहनों का नंबर भर देसी भंडार कदेनी कमी करेला राम रुणी चे बाळो बापो भली करेला राम रुणी चे बाळो बापो भली करेला। तो जहां तक मुझे जानकारी है कृपा राम जी तीन बार बाबा रामदेव जी रे दरबार पैदल जार धोक लगायो है। मैं दो पंक्तियां श्री कृपाराम जी वास्ते प्रस्तुत कर रही हूँ, बहुत सुंदर, शायद नागौर में पहली बार मैं चार पंक्तियां आप लोगों ने सुना रही हूँ। तो अरे कोसा चाले पाड़ा पाड़ा माथे तपे तावड़ियो भूख तिरसरी फिक्र नहीं औलाद राक्षसी सांवरियो भूख तिरसरी फिक्र नहीं औलाद